किसान साथियों, मेरे फार्मिंग पेशन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, बहुत ही बड़े अपडेट और बहुत ही बड़े चेंजेस के साथ आपको स्वराज 855 का नया मॉडल 2024 में क्या कुछ चेंज किया है और 100% वो चेंज आपको जरूर पसंद आने वाला है। स्वराज 855 यानी कि स्वराज कंपनी अब अपनी ट्रैक्टरों में काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस हर एक साल में निकालती रहती है। क्या है वो अपडेट, वो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद ही मालूम होने वाला है। किसान भाइयों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक करके ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ओवरऑल लुक की बात करते हैं। तो इस ट्रैक्टर के अंदर सिंगल पीस बोनट आयरन डायनेमिक शेप के साथ जो इसका सिंगल पीस बोनट आपको मिलने वाला है। स्वराज की तरफ से आपको काफ़ी बढ़िया जो हेडलाइटें हैं, जो ग्लास टाइप वाली हैं, हैलोजन टाइप की जो हेडलाइटें हैं, यानी कि रात में भी आपको एक्स्ट्रा लाइट प्रोवाइड करवा के देने वाली हैं ये लाइटें। किसान भाइयों, ग्रिल की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ी ग्रिल और स्वराज की जो ब्रांडिंग है यूनिक सी डिज़ाइन के साथ वो मिलने वाली है। साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो स्वराज 855 फाइव स्टार की जो ब्रांडिंग है वो मिलने वाली है। रिवर्स पीटीओ की जो बैजिंग है आपको आगे की तरफ बोनट के ऊपर नीचे की तरफ देखने को मिलने वाली, साइड में भी आपको दोनों साइडों में इसके ग्रिल देखने को मिलने वाले हैं। इसके एचपी की अगर हम बात करें तो 50 से 55 एचपी की कैटेगरी वाला जो ट्रैक्टर है वो आपको ये 3 सिलेंडर के साथ 2000 इंजन रेटेड आरपीएम 3478 सीसी के साथ इसका इंजन आपको कंपनी ने प्रोवाइड करवा के दिया हुआ है। और आधुनिक युग का आधुनिक इंजन आपको स्वराज का खुद का इंजन आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिलने वाला है किसान भाइयों। और माइको बॉस का जो 3 सिलेंडर वाला जो इनलाइन पंप है वही आपको इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगा। आयल बाथ का प्री क्लीनर वाला जो 3 स्टेज वाला प्री क्लीनर है वही आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलने वाला है। फ्रंट टायर आपको गुडियर का 750/16 वाला मिल जाएगा। रियर टायर की अगर हम बात करें तो आपको 16/28 का इस ट्रैक्टर के अंदर जो टायर है काफ़ी बड़ा वाला जो टायर है वो मिल जाएगा। फेंडर की अगर हम बात करें तो फेंडर टेल लैंप की अगर हम बात करते हैं तो जो रेगुलर वाली टेल लैंप है वो मिल जाएगी। नए लुक वाला जो कर्व डिज़ाइन का जो फेंडर है आपको वही आपको काफ़ी स्पेस आपको पीछे की तरफ और इसके अंदर जो हाथ डाल के साफ करने के लिए जो स्पेस चाहिए वही आपको इस ट्रैक्टर के अंदर देखने को मिलने वाला है। बैक एंड की अगर बात करें तो 2000 लिफ्टिंग क्षमता के साथ और पीटीओ हॉर्स पावर आपको मिलने वाले किसान भाइयों इस ट्रैक्टर के अंदर एक्स्ट्रा। तो किसान भाइयों, आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अगर ये ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं, किन उपकरणों के ऊपर खरीदना चाहते हैं उसका भी ध्यान रखिए। ये ट्रैक्टर आपको लो हाई मीडियम में भी मिल जाएगा और लो मीडियम में भी मिल जाएगा, सेंटर गियर में भी मिलेगा और साइड गियर बॉक्स के साथ भी आपको ये ट्रैक्टर देखने को मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के अंदर आपको मिलने वाली जो पीटीयू है वो 45 हॉर्स पावर की जो पीटीयू है वो कंपनी ने प्रोवाइड करवा के दिया हुआ है। 33.8 किलोवाट की जो पीटीयू है वो मिल जाएगी। इसके एसएफसी की अगर हम बात करें तो 257 ग्राम पर किलोवाट घंटे के हिसाब से इसकी एसएफसी कंपनी ने बता के दी हुई है। पीछे की तरफ आपको लाइट रिफ्लेक्टर मिल जाएगा और टूल बॉक्स फाइबर टाइप का मिल जाएगा। सीट के जस्ट पीछे बोतल होल्डर देखने को मिलने वाला है। लिफ्टिंग कैपेसिटी 2000 किलोग्राम की मिलने वाली है। मल्टी स्पीड यानी कि 4 प्रकार की जो पीटीयू है वो भी रिवर्स और फॉरवर्ड स्पीड के साथ वो आपको इसके अंदर जो पीटीयू है वो मिल जाएगी। बॉक्स टाइप का, मल्टी एडजस्टेबल टाइप का जो स्वे बार है वो मिलने वाला है। काफ़ी हैवी ड्यूटी इसके लिंकेज मिल जाएंगे। डबल QRC कपलर, लेजर लैंड लेबलर यानी कि हाइड्रोलिक से रिलेटिव कोई भी चीज़ें आप चलाना चाहते हैं तो बआसानी आप इस ट्रैक्टर के साथ चला पाएंगे। इजी हीचिंग का जो लीवर है वो आपको अब स्वराज के सारे मॉडल्स में देखने को मिलने वाला है। बैक लाइट आपको फाइबर टाइप की मिल जाएगी काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन के साथ। दूसरे साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करते हैं तो सेम साइड प्रोफाइल देखने को मिलने वाली है और 68 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने प्रोवाइड करवा के दी हुई है। इसके सीट की अगर हम बात करें तो सुपर डीलक्स सीट, काफ़ी आरामदायक सीट इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाएगी और काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज की जो स्वराज की ब्रांडिंग वाली जो स्टीयरिंग है वो मिल जाएगी। मीटर कंसोल की अगर हम बात करें तो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर
आवर मीटर डिजिटल मिल जाएगा और बाकी के सारे मीटर आपको मिलने वाले हैं एनालॉग टाइप वाले। 2.5 किलोवाट का आपको इस ट्रैक्टर के अंदर सेल्फ मोटर मिलने वाला है, 100 Ah की बैटरी मिल जाएगी, डबल टेंडम पंप आपको मिलने वाला है। अब बात आती है कि जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया कि क्या कुछ आपको इस ट्रैक्टर के अंदर चेंजेस होने वाले हैं, तो आप जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, पहले चेंजेस की अगर हम बात करें तो फ्रंट एक्सल पहले नॉन एडजस्टेबल आता था, लेकिन अब स्वराज ने एडजस्टेबल टाइप का जो फ्रंट एक्सल है, एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी वाला जो फ्रंट एक्सल है, वो आपको प्रोवाइड करवा दिया है। यानी कि आप मल्टीपर्पज कामों के लिए स्वराज 855 आप यूज कर पाने वाले हैं। इस ट्रेन को काफी स्मूथ बनाने के लिए आपको दूसरे चेंजेस की अगर हम बात करते हैं, तो आपको इस ट्रैक्टर के अंदर डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग इस ट्रैक्टर के अंदर कंपनी ने प्रोवाइड करवा दिया है। यानी कि आप देख लीजिए, आधुनिक टाइप का और एक्स्ट्रा हैवी ड्यूटी, इसको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी अब कंपनी ने, यानी कि यहाँ पर एक जो राड लगी होती थी बैलेंस करने के लिए, वो राड अब हटा करके डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग के माध्यम से ही इसके स्टीयरिंग को ऑपरेट करने के लिए, ये जो डबल एक्टिंग वाली पावर स्टीयरिंग है, आधुनिक टाइप वाली जो पावर स्टीयरिंग है, वो इस ट्रैक्टर के अंदर कर दी है। यानी कि ग्रीसिंग पॉइंट भी आपको इसके अंदर मिलेगा, आप इसके अंदर ग्रीस भी कर पाने वाले हैं, टायर रॉड गोली कभी भी दिक्कत नहीं करने वाली है। और किसान भाइयों, पावर स्टीयरिंग को ऑपरेट करने के लिए एक्स्ट्रा टंकी, यानी कि आपको सेपरेट टंकी ही इंजन के ऊपर देखने को मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, ये बदलाव कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान साथियों।